हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेवंथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके सिक्स प्रॉब्लम्स किए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में नंबर ऑफ अदर टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का सेवंथ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, थ्री फोर्सेस एफ पी एंड क्यू एक्ट थ्रू पॉइंट डी एज शोन इन फिगर, इफ एफ इक्वल्स टू 90 न्यूटन एंड पी इक्वल्स टू 130 न्यूटन, डिटरमाइन द मैग्नेट्यूड ऑफ फोर्स क्यू सो दैट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, देखिए क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि डिटरमाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्यू। देखिए ये फोर्स क्यू का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया है। कंडीशन ऐसा है कि रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। यहां पे जो तीन फोर्सेस हैं, तीनों फोर्सेस का जो भी रिजल्टेंट है वो वाई एक्सिस को पैरेलल है। ये कंडीशन का यूज करके हमें ये फोर्स क्यू का मैग्नीट्यूड यहां फाइंड आउट करना है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे इसके पहले के प्रॉब्लम्स में हमने सॉल्व किए थे। तो यहां पे तीन फोर्सेस है, एफ पी और क्यू, और एफ और पी का मैग्नीट्यूड यहां पे दिया है। F का मैग्नीट्यूड दिया है 90 न्यूटन, P का मैग्नीट्यूड दिया है 130 न्यूटन, Q का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। और ये प्रॉब्लम की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये प्रॉब्लम में कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। इसके पहले हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें हमने पॉइंट ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट किए थे, लेकिन यहां पे ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी बना के दिए हैं। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी आसान है। तो चलो फाइनली अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा यहां पे लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और जो हमें डायग्राम से दिखाई दे रहा है। तो हम यहां लिखेंगे गिवन दैट क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले हमें फोर्स पी और एफ का वैल्यू, इट मीन उसका मैग्नेट्यूड दिया है। तो हम यहां लिखेंगे फोर्स पी का मैग्नेट्यूड दैट इज 130 न्यूटन और फोर्स एफ का मैग्नेट्यूड जो है वो 90 न्यूटन दिया हुआ है। फोर्स क्यू का मैग्नेट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। और यहां पे ए बी सी डी जो चारों पॉइंट्स हैं, चारों के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट -215, देन बी के कोऑर्डिनेट्स, सभी के सभी कोऑर्डिनेट्स -1, -4, -3, देन सी के कोऑर्डिनेट दैट इज 6, -2, 1, और लास्ट में डी के कोऑर्डिनेट दैट इज 2, 8, 1। तो फाइनली हमने सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स यहां पे लिख लिए हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जो तीन फोर्सेस दिए हैं तीनों फोर्सेस का पहले वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे। देखिए तीन फोर्सेस, फोर्स एफ, फोर्स पी और फोर्स क्यू, तीनों का वेक्टर इक्वेशन बनाओ आई जे के फॉर्म में। देन आफ्टर तीनों का वेक्टर इक्वेशन ऐड करो तो हमें रिजल्टेंट का वेक्टर इक्वेशन मिलता है। फिर वो रिजल्टेंट के वेक्टर इक्वेशन में गिवन कंडीशन का यूज करके सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से फोर्स क्यू का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम फोर्स एफ का यहां पर वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं। तो फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन बनाते समय सबसे पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि फोर्स एफ कहां से कहां जा रहा है। तो ये देखिए फोर्स एफ जो है वो डी से ए की तरफ जा रहा है। फोर्स एफ इज एक्टिंग फ्रॉम डी टू ए। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे ए माइनस डी करेंगे। ये सेंडिंग एंड है और ये रिसीविंग एंड है, तो आपको रिसीविंग एंड माइनस सेंडिंग एंड करना है। ए माइनस डी, ए के कॉर्डिनेट हम लिख लेंगे 215 माइनस डी के कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे 218। और अब यहां पे ये देखिए ये एक्स वाई जेड और ये भी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड, ऐसा करना है और उसमें आई जे के लगाना है, देन फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन आसानी से मिल जाएगा। तो चलो यहां पे हम करेंगे -2 -2, तो ये होगा -4i, देन 1 -8, तो ये हो गया -7j, 5 -1, तो ये हो गया +4k। लेकिन अब इसको फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है, तो फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स एफ का फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा एफएम। तो प्रॉब्लम में चेक करो कि एफएम का वैल्यू दिया हुआ है क्या, तो यहां पे एफएम का वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ एफ का वैल्यू दिया है। ऐसे में हम इसको एफ के फॉर्म में लिखेंगे, तो एफएम जो कि फोर्स मल्टीप्लायर है वो होता है दैट इज एफ बाई डी। तो ये हमने लिखा दैट इज एफ बाई डी। इसके पहले के भी वीडियोज में हमने बताए थे कि फोर्स मल्टीप्लायर जो है वो जैसे मान लो फोर्स पी है, तो फोर्स पी का फोर्स मल्टीप्लायर पीएम है, तो इसका फॉर्मूला रहेगा दैट इज पी बाई डी। फोर्स एफ है तो फोर्स एफ का फोर्स मल्टीप्लायर रहेगा एफएम और इसका फॉर्मूला रहेगा एफ बाई डी, इस तरह से।
तो यही फोर्स मल्टीप्लायर एफ बाई डी हमने यहां पे रखा है, और यहां पे एफ और डी का वैल्यू अगर आप पुट करेंगे, एफ का वैल्यू 90 है तो यहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 90, तो हमने यहां लिखे एफ के जगह 90, और डी माने क्या, तो देखिए डी माने आपको लिखना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्योर वाई स्क्योर जेड स्क्योर, और यहां पे एक्स वाई जेड कहां से आएगा, तो ये देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें जो भी कोएफिशिएंट्स है वही एक्स वाई जेड है, इट मींस -4 -7 -4, यही एक्स वाई जेड है, इनको आपको अंडर रूट के अंदर स्क्योर के एडिशन के साथ लिखना है। तो एक्स स्क्योर प्लस वाई स्क्योर प्लस जेड स्क्योर, तो ये होगा 4² + 7² + 4², तो ये हमने लिखे, और यहां पे माइनस मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस का स्क्योर प्लस होता है। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, -4i - 7j + 4k, और यहां पे ये 90 बाय अंडर रूट को आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। तो ये हमने कैलकुलेटर ले लिए, 90 ÷ √4² + 7² + 4², तो ये हमने लिखे तो ये आ रहा है 10, तो इसका आंसर 10 है। और अब हम यहां पे क्या करेंगे, 10 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे क्या आएगा। देखिए ये पूरे इक्वेशन को ऐसे आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है दैट इज -40i - 70j + 40k। तो फाइनली ये हमने फोर्स एफ बार का वेक्टर इक्वेशन बना लिए। जैसा आपने फोर्स एफ बार का वेक्टर इक्वेशन बनाया बिल्कुल वैसा ही आपको रिमेनिंग जो दोनों फोर्सेस है दोनों फोर्सेस का भी वेक्टर इक्वेशन बनाना है। और अब फोर्स पी की बारी, चलो फोर्स पी का वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं बिल्कुल ऐसा ही। तो फोर्स पी कहां से कहां जा रहा है, फोर्स पी इज एक्टिंग फ्रॉम डी टू बी जा रहा है, इट मीन्स ये डी हो गया सेंडिंग एंड और ये हो गया रिसीविंग एंड, तो आपको रिसीविंग एंड माइनस सेंडिंग एंड करना है। तो ये हमने करे बी माइनस डी, तो ये यहां पे आप बी और डी के कोऑर्डिनेट सब पुट अप करेंगे, तो ये आ गए बी के कोऑर्डिनेट, माइनस डी के कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे 281, और यहां पे फिर से वही सबस्ट्रैक्शन करेंगे x - x y - y z - z, तो ये हम करेंगे -1 - 2, तो ये हो गया -3i, देन -4 - 8, तो ये हो गया -12j, -3 - 1, तो ये हो गया -4k। तो फाइनली यहां पे इतना होने के बाद इसको फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है, फोर्स पी का फोर्स मल्टीप्लायर होगा पीएम, तो यहां पे पीएम के जगह हम पी बाई डी लिख सकते हैं जैसा आपने वहां किए थे, तो यहां पे हम पी बाई डी लिखेंगे, और पी का वैल्यू यहां हमें पता है 130 ÷ d, माने क्या होगा, तो जो आपने आईजेके का इक्वेशन बनाया है उसके जो कोएफिशिएंट्स है उसका आपको स्क्वायर एडिशन करना है, तो 3 = 12 = 4, तो हम यहां लिखेंगे 3² + 12² + 4², तो ये देखिए ये हमने ऐसा करे। और अब इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कैलकुलेटर में क्या आंसर आता है। तो न्यूमरेटर में है 130 ÷ √9 + 144 + 16, तो ये हमने लिख दिए, तो इसका भी आंसर 10 आया, तो फाइनली इसका भी आंसर 10 हम लिखेंगे, और फिर इसको अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, -3i - 12j - 4k * यहां पे इसका आंसर 10, और जैसा आपने ऊपर किए थे वैसा आप यहां भी करेंगे, 10 से आप पूरे इक्वेशंस को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इक्वेशन यहां पे क्या बनता है, तो ये हो गया -30i - 120j - 40k, तो फाइनली यहां पे फोर्स पी बार का वेक्टर इक्वेशन भी हमें मिल गया। टोटल 3 फोर्सेस दिए थे, तीनों का वेक्टर इक्वेशन हमें तैयार करना है, तो यहां पे 2 फोर्सेस जिसका मैग्नीट्यूड दिया था उसका वेक्टर इक्वेशन हमने बना लिए हैं, और अब थर्ड फोर्स की बारी, थर्ड फोर्स माने फोर्स क्यू, तो चलो फोर्स क्यू का वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा आपने इसके पहले किए थे। तो फोर्स क्यू देखिए कहां से कहां जा रहा है, फोर्स क्यू इज एक्टिंग फ्रॉम डी टू सी जा रहा है, तो आपको सी माइनस डी करना पड़ेगा, तो देखिए हम यहां पे सी माइनस डी करेंगे, तो सी के कोऑर्डिनेट्स है 6 - 2 = 1, माइनस डी के कोऑर्डिनेट्स है 2 = 8 = 1, और यहां पे भी वही करना है 6 - 2, तो ये हो गया 4i, -2 - 8, तो ये हो गया -10j, 1 - 1, तो ये हो गया 0k, और यहां पे इनटू फोर्स मल्टीप्लायर करना है, और फोर्स मल्टीप्लायर यहां रहेगा फोर्स क्यू के लिए रहेगा qm, तो हमने इसको नाम दे दिए फोर्स मल्टीप्लायर qm, और यहां पे qm से आपने मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपको यहां पे q by d ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसके पहले जो हमने यहां पे फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किए थे, तो फोर्स f का फोर्स मल्टीप्लायर fm होता है, तो fm की जगह हमने f by d करे, f और d की डायरेक्टली सभी वैल्यूज हमने पुट किए। यहां पे भी फोर्स p का फोर्स मल्टीप्लायर pm होता है, तो pm की जगह हमने p by d लिखे, p का मैग्नीट्यूड हमें पता था इसलिए हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यहां पे भी हमने सभी का वैल्यू पुट किए, लेकिन यहां पे फोर्स मल्टीप्लायर qm के फॉर्म में ही रहने दो, इसको q by d करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें q का मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो फिलहाल इसको फोर्स मल्टीप्लायर के फॉर्म में ही रहने दो, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे, ठीक है।
अब आगे चल के हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं से QM का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार हमें QM मिल गया तो वो QM हम यहां पुट करेंगे, फिर ये पूरे इक्वेशन का जो भी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे वही फोर्स Q का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और प्रॉब्लम वहीं पे समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अब हम एक काम करेंगे, ये QM से यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, सभी टर्म्स को यहां मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आता है। तो यहां ये ऐसा होगा Q बार इक्वल्स टू ये होगा 4 QM ऑफ I माइनस 10 QM ऑफ यहां पे J। तो फाइनली हमने ये वेक्टर इक्वेशन बना लिए हैं, ये भी आई जे के फॉर्म में हमने बना लिए, इसमें के तो जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमने तीन फोर्सेस का वेक्टर इक्वेशन तैयार करना था, ये फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन, फोर्स पी का वेक्टर इक्वेशन और ये फोर्स क्यू का वेक्टर इक्वेशन। और अब तीनों वेक्टर इक्वेशन को जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि तीनों वेक्टर इक्वेशन को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको रिजल्टेंट का वेक्टर इक्वेशन मिलेगा। तो चलो अब हम रिजल्टेंट का वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए रिजल्टेंट का वेक्टर इक्वेशन कैसे बनता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों इक्वेशन का आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा तो आपको रिजल्टेंट का वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट के वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करते समय यहां पे इसको रिजल्टेंट को आर से शो करेंगे। और देखिए रिजल्टेंट का वेक्टर इक्वेशन के लिए ये देखिए इसका आई कंपोनेंट है -40, इसका आई कंपोनेंट है -30 और इसका आई कंपोनेंट है 4QM। तो यहां पे इन दोनों का तो एडिशन हो सकता है, -40 -30 हो गया -70, तो हम लिखेंगे -70 और इसका आई कंपोनेंट है 4QM। तो ये हमने फिलहाल ये आई कंपोनेंट रिजल्टेंट का ऐसा लिख लिए, ठीक है। और अब जे कंपोनेंट की बारी, तो जे कंपोनेंट की अगर बात करें तो देखिए इसके जे कंपोनेंट में है -70, इसके जे में है -120, इसका मतलब ये हो गया -190 और यहां पे है -10 QM। तो ये हम लिखेंगे माइनस, आप चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन नहीं लिए तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया -190 और ये -10 QM ऑफ जे। तो फाइनली ये हमने रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट लिखे, ये हमने रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट लिखे और अब बच गया रिजल्टेंट का के कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट का के कंपोनेंट देखते हैं क्या आएगा। तो यहां पे देखिए इसमें तो के है ही नहीं, बस इन दोनों का के जो है आपको प्लस करना है। तो इसका के कंपोनेंट है 40K, इसका के कंपोनेंट है -40K, मतलब ये हो जाएगा 0K। तो ये हो गया दैट इज 0K। और अब फाइनली ये रिजल्टेंट का वेक्टर इक्वेशन मिल चुका है। और अब ये रिजल्टेंट के वेक्टर इक्वेशन में जो गिवन कंडीशन है, हमें वो गिवन कंडीशन का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। गिवन कंडीशन क्या है, तो देखो गिवन कंडीशन अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा था कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्यू सो दैट रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन में क्लियर कट दिया है। यहां पे जो तीन फोर्सेस है, तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो वाई एक्सिस को पैरेलल है। तो अगर रिजल्टेंट y एक्सिस को पैरेलल है, इसका मतलब वो y एक्सिस के अलाउंग है, और अगर वो y एक्सिस के अलाउंग है इसका मतलब उसका x कंपोनेंट और z कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट y एक्सिस को पैरेलल है, इट मींस रिजल्टेंट y एक्सिस के अलाउंग है, इसका मतलब रिजल्टेंट का x कंपोनेंट और z कंपोनेंट जीरो होगा। तो ऐसे में यहां देखिए ये जो हमने रिजल्टेंट का इतना बड़ा इक्वेशन बनाया है, इसमें रिजल्टेंट का x कंपोनेंट कौन सा और z कंपोनेंट कौन सा, वो अगर हम यहां प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये देखिए ये है रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, ये है रिजल्टेंट का y कंपोनेंट और ये है रिजल्टेंट का z कंपोनेंट। ये रिजल्टेंट का x कंपोनेंट इट मींस ये है rx, ये रिजल्टेंट का y कंपोनेंट ये है ry और ये रिजल्टेंट का z कंपोनेंट इट मींस rz। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने ये कंक्लूजन निकाले कि रिजल्टेंट अगर y एक्सिस को पैरेलल है, इसका मतलब रिजल्टेंट का x कंपोनेंट और z कंपोनेंट जीरो होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो x कंपोनेंट है ये x कंपोनेंट को हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें QM का वैल्यू मिल जाएगा। और एक बार हमें यहां से QM मिल गया, फिर वो QM का वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में और फिर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इट मींस अंडर रूट करेंगे तो हमें फोर्स क्यू का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। लेकिन हमें यहां पे पहले स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। तो देखिए हमने जो कंक्लूजन निकाले थे वो हमने यहां स्टेटमेंट में लिख दिया है। हमने यहां लिखा है कि सिंस इट इज गिवन दैट रिजल्टेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस व्हिच मींस इट्स एक्स एंड जेड कंपोनेंट मस्ट बी जीरो, इट मींस rx इक्वल्स टू 0 एंड rz इक्वल्स टू 0। तो चलो ये rx को इक्वल्स टू 0 करेंगे और हम वहां से qm का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे हमने लिखा है कि rx इक्वल्स टू 0, rx माने ये -70 + 4 qm, तो ये हम लिखेंगे -70 + 4
qm इक्वल्स टू 0, 70 को उधर शिफ्ट करो तो ये हो गया 4qm इक्वल्स टू 70, और इसको 4 से डिवाइड करो तो फाइनली हमें qm का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 17.5, यहां पे हम लिखेंगे न्यूटन पर मीटर। हमेशा ध्यान में रखो जो फोर्स मल्टीप्लायर होता है, फोर्स मल्टीप्लायर का यूनिट हमेशा न्यूटन पर मीटर के फॉर्म में होता है, अगर फोर्स न्यूटन में दिया है तो, और अगर किलो न्यूटन में दिया है तो किलो न्यूटन पर मीटर, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। और अब ये फोर्स मल्टीप्लायर का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। सो हम यहां लिखेंगे q बार इक्वल्स टू 4 ऑफ i माइनस ऑफ 10j, और बाहर में है दैट इज 17.5 qm का वैल्यू। तो फाइनली ये देखिए, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए तो इक्वेशन नंबर 1 ऐसा बन गया। लेकिन यहां पे फोर्स q का अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो यहां पे हम लिखेंगे मॉड ऑफ q। देखिए हमने यहां पे मॉड ऑफ q बार लिख दिए, तो आपको क्या करना है, राइट साइड में सिर्फ ijk का अंडर रूट लेना है, तो 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और जो 17.5 बाहर है उसको बाहर से ही मल्टीप्लाई करना है। और अब इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे और जो भी हमें यहां पे आंसर मिलेगा वही फोर्स q का फाइनल आंसर हो जाएगा जो हमें चाहिए। तो फाइनली कैलकुलेशन हमने कर लिया है, इसको कैलकुलेट करने के बाद इतना आंसर आ रहा है 188.48 न्यूटन, और ये फोर्स क्यू का मैग्नीट्यूड जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 6 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी करना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोज में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।